सुनो सरकार, ईश्वर ने कमलेश कुमारी की आंखें छीन ली और उसका संसार उम्र भर के लिए अंधियारा हो गया। अब कमलेश कुमारी को व्यवस्था से लड़ना पड़ता है। उसे दिव्यांग होने पर मिलने वाले हक चाहिए, मगर जब व्यवस्था की आंख में मोतियाबिंद उतर आए तो न्याय भला कहां से मिलेगा? व्यवस्था अगर आंख होते हुए भी नहीं देखने का नाटक करे तो उसे भला नजर कौन दे सकता है? सुनो सरकार, इस नेत्रहीन महिला ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की आंख पर चढ़े चश्मे को उतारने की बहुतेरी कोशिश की, मगर वह कभी कामयाब नहीं हो सकी। सरकार, ये कल की ही बात है। सुजानपुर के सलूही की रहने वाली दृष्टिहीन कमलेश को नेत्रहीनता का प्रमाण पत्र चाहिए था, मगर इसके लिए सातवीं बार मेडिकल कॉलेज पहुंची कमलेश को फिर आठवीं दफा बुला लिया गया। दिन भर मेडिकल कॉलेज की अंधी गलियों में भटकती रही कमलेश की दुनिया कब रोशन होगी? सरकार, आप ही बताइए कि ऐसे लोगों को जहां घर द्वार सुविधा मिलनी चाहिए, उन्हें आपका तंत्र चौराहे पर क्यों खड़ा कर देता है? सरकार, आखिर कमलेश उम्मीद करे तो किससे करे? उसकी फरियाद सुन लो सरकार। तो हमारा मेडिकल बना हुआ था ना, फिर हमने यूटीआईटी कार्ड के लिए अप्लाई किया था अप्रैल महीने में, आज तक यूटीआईटी कार्ड बना नहीं। फिर इसके माध्यम से हम सीएमओ के पास भी गए थे, उन्होंने बोला भाई हमारा डिपार्टमेंट का काम नहीं इसका बनाना, आप अप्लाई कर दो बोले, और अप्लाई कर दो और आपका जो है ठेके पर दिया हुआ यूटीआईटी कार्ड बनाने के लिए वो बन के आ जाएगा। फिर हमने अप्लाई करवाया, फिर भी आज तक बन के नहीं आया। फिर 1100 नंबर पर कंप्लेंट दर्ज कराई सीएम हेल्पलाइन में, तब हमारे को डीएमओ डॉक्टर साहब ने बुलाया सुजान पर, उन्होंने कंटेक्ट किया सीएमओ के हॉस्पिटल में मीरपुर, फिर तब हमारे को शनिवार को यहाँ भेजा भाई, शनिवार को वहां डॉक्यूमेंट लेके जाओ कने वहां आपको बताएंगे। फिर आज सुबह 10 बजे आए हुए हैं हम हॉस्पिटल में, फिर तब हॉस्पिटल में गए थे वहां मनु सर के पास, तो उन्होंने बोला भाई नया मेडिकल बनाने के लिए बोले आप बोले अप्लाई करो, बोले इसी बेस पर बन जाएगा नया मेडिकल आपका, आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिव्य हिमाचल वेब टीवी पर देखते रहिए, सुनो सरकार।